So guys, the next thing that we are going to do is we're going to link or bring in images into our web page. ठीक है, आपने देखा होगा वेब पेजेस में इमेजेस होते हैं. हमारे वेब पेज में अभी तक ऐसा कोई इमेज नहीं है, बहुत गरीब सा लग रहा है. सो लेट्स एड वन इमेज इनटू आवर वेब पेज. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको अलग अलग फाइल्स मिल जाएँ. सो आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, आई विल सेव इट एज लेट्स से इमेज अंडरस्कोर डेमो डॉट एच टी एम एल. ओके, दिस इज़ द न्यू फाइल एंड आई विल राइट द एच टी एम एल कोड एंड यू कैन सी ये पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड आ गया. और बाय द वे, इस वीडियो में हम इमेजेस और लिंक्स दोनों क्रिएट करना सीखेंगे. सो विल राइट लिंक्स एंड इमेजेस. ओके, ये मेरा टाइटल हो गया. और नाउ द मेन थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पर अपने इस पर्टिकुलर एच टी एम एल फाइल में एक इमेज ऐड करना चाहते हैं. ठीक है, अब इमेज ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नया फोल्डर बनाना चाहिए क्योंकि आप सारे इमेजेस एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डालोगे. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर बाय द नेम ऑफ इमेजेस. ठीक है, ये देखो अब ये फोल्डर एम्प्टी है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो एंड सर्च फॉर सम यू नो इमेज ऑन माई डेस्कटॉप इफ आई हैव वन. या सो आई हैव दिस इमेज, कैंपस एक्स का लोगो है. सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल गो हेयर एंड इमेजेस के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, विच इज़ बैड. न्यू फाइल पे जाते हैं. नहीं, एक काम करते हैं, सीधे फोल्डर से जाके पेस्ट कर देते हैं. सो डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर इज़ एच टी एम एल ट्रेनिंग और वहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया लाइक दिस. सो अगर मैं वापस जाऊँ सबलाइम में तो यू कैन सी यहाँ पर ए बी सी डॉट पी एन जी है, दिस इज़ द इमेज. ओके, सो नाउ वॉट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सिंपली राइट द इमेज टैग आई एम जी. ओके, अब जैसे आप आई एम जी लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली ये चीज़ अपेयर कर जाता है. इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट. ठीक है, सो एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ टैग. सो बहुत सिंपल है, यहाँ पर एस आर सी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर तुमको इमेज डिस्प्ले करना है तो मुझे उसका लोकेशन बताओ, तभी तो मैं डिस्प्ले कर पाऊंगा. तो एट्रीब्यूट्स बहुत बार यूज़ होंगे आप फ्यूचर में, जैसे आपने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था, आप अब आगे की वीडियोज़ में भी बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यूज़ करोगे. बेसिकली आप अपने टैग को हेल्प कर रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन दे करके थ्रू दोज एट्रीब्यूट्स. ओके, सो जैसे मुझे अगर यहाँ पे लोकेशन बताना है तो द लोकेशन इज़ वेरी सिंपल, हमें करेंट फाइल से उस इमेज तक जाना है. सो करेंट फाइल इज हेयर इमेज अंडरस्कोर डेमो. यहाँ से मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर जाऊँगा सबसे पहले और उसके अंदर मेरी फाइल का नाम है ए बी सी डॉट पी एन जी. जस्ट मेक श्योर जब आप अपने मशीन पे कर रहे हो तो वो इमेज फाइल जो आपके मशीन पे उसका नाम लिखना है. ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया और अब हमने सेकेंड वाली फाइल को जा कर के ओपन किया इमेज डेमो को. एंड गाइज यू कैन सी दिस इज़ द इमेज. ठीक है, सो आई गेस ये वाला चीज़ समझ में आ रहा है. द गुड पार्ट इज़ कि आप सिर्फ अपने ही मशीन से इमेजेस डिस्प्ले नहीं कर सकते, आप पूरे इंटरनेट पे कहीं से भी इमेज डिस्प्ले कर सकते हो. लेट मी शो यू वन एग्जांपल. लेट्स से अगर मैं सर्च करूँ, आई डोंट नो, लेट्स सर्च फॉर कोलकाता. ठीक है, और कोलकाता सर्च करने पे इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे लेट्स से मुझे ये इमेज डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस का, मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं आई एम जी में जाऊँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा लाइक दिस. और जैसे हम इसको सेव करके रन करेंगे दोबारा, यू वुड सी या सो गाइज यू कैन सी ये इमेज थोड़ा सा बड़ा है. सी दिस इमेज इज़ लाइक रियली ह्यूज, इसलिए आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है पूरा देखने के लिए. ठीक है, अब ऑब्वियसली यू कैन कंट्रोल द साइज़ ऑफ द इमेज. मैं आपको इनफैक्ट तुरंत दिखा देता हूँ. व्हाट यू कैन डू इज़ आप एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो विड्थ बोल के. विड्थ में लग से आपने बोल दिया 100%, मतलब 100% ऑफ द बॉडी. ओके, और आप हाइट भी ऐड कर सकते हो, अगेन एन एट्रीब्यूट. यहाँ पे आपने डाल दिया लेट्स से 500 pixels. ठीक है, अब आप जैसे इसको रन करोगे यू कैन सी ये पूरा का पूरा विड्थ ऐसा दिखाई दे रहा है. एक्चुअली इतना अच्छा नहीं दिख रहा, हम इसको एक काम करते हैं 500 by 500 ही कर देते हैं, बेटर रहेगा राइट. 500 pixels by 500 pixels. और आप जैसे इसको रन करोगे ये रहा गाइज आपका इमेज 500 by 500 pixels का. तो आप कभी भी, आपके पास कोई इमेज है आप उसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग द विड्थ
एंड हाइट एट्रीब्यूट, ठीक है? सो आई गेस आपको इमेजेस यूज करना समझ में आ गया, राइट? अब आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे आएगा, वो सब हम लोग सीखेंगे जब हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ इमेज ऐड करना हम लोग सीख गए, ठीक है? अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट लिंक्स. हमारे पास इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो दो पेजेस हैं, इमेज डेमो डॉट एच टी एम एल और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. नाउ वट आई वॉन्ट टू लिंक बोथ ऑफ दीज पेजेस, और वो ही करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी ये एक्चुअल हाइपर टेक्स्ट बनेगा, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बी आर डाल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं यहाँ पे दो तीन बी आर डाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग डाल रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा है टू गो बैक क्लिक हेयर. अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे कोई क्लिक हेयर पे क्लिक करे तो मेरा ये सेकेंड वाला पेज खुल जाए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. और ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली इस पूरी चीज़ को एंकर टैग के अंदर डालना पड़ेगा, ए टैग, ठीक है, लाइक दिस. और ए टैग में आपको एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं एचडेफ. तो आपको फिर से वो लोकेशन बताना है जिस फाइल पे आप उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो, और अपेरेंटली वो फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इन द सेम फोल्डर, ठीक है? सो मैं जैसे इस फाइल को सेव करूँगा और वापस रीलोड करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी एबल टू सी दिस लिंक टू गो बैक क्लिक हेयर. जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखो हमारा पिछला फाइल खुल गया, और आपने पहली बार एक हाइपर टेक्स्ट क्रिएट किया. आई गेस ये वाला चीज़ आपको समझ में आ रहा है. गाइस यू विल यूज़ दिस अ लॉट आई मीन बहुत यूज़ करोगे आप, ठीक है? सो एक बार ये ट्राई कर लेना. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि इस पेज पर एक लिंक क्रिएट करो जो वापस उस पेज पे आपको भेजे, ठीक है? आई गेस ये वाला चीज़ समझ में आ रहा है. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शो यू वन मोर थिंग. आप सिर्फ अपने ही वेब पेजेस पर रीडायरेक्ट नहीं कर सकते, आप इंटरनेट पर कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट पर रीडायरेक्ट कर सकते हो. लेट मी शो यू. जैसे कोलकाता हमने सर्च किया था, अगर मैं वापस जाऊँ और लेट्स से मैं कोलकाता के विकीपीडिया पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? ये रहा. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लूँगा और वापस अपने कोड में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखूँगा, वहाँ पे लिखूँगा टू रीड मोर अबाउट कोलकाता क्लिक हेयर. और फिर से मैं क्लिक हेयर को क्या करूँगा, ए टैग के अंदर डाल दूँगा लाइक दिस. और यहाँ पर मैं एच रेफ के अंदर अब इस बार क्या करूँगा, मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस. अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर मैं वापस जाऊँ इस पेज पे और इसको रीलोड करूँ, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू रीड मोर अबाउट कोलकाता, और क्लिक हेयर पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, नोटिस करना, आई एम रीडायरेक्टेड टू दिस विकीपीडिया पेज. एंड दैट इज़ द ट्रू पावर ऑफ इंटरनेट वेब, जहाँ पर हर डॉक्यूमेंट को आप लिंक कर सकते हो थ्रू दीज यूआरएल्स. ये यूआरएल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, ठीक है? एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक कम्प्लीटली नए विंडो में टैब में लिंक ओपन होता है, ठीक है? तो आप उसको यूज़ कर सकते हो बाय राइटिंग दिस. टारगेट बोल के एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर अगर आप ब्लैंक लिख दो तो देखो क्या होगा. अब ये जैसे इसको आप रीलोड करोगे इस पेज को और इस पर क्लिक करोगे, अब देखो पिछला वाला वहीं पर इंटैक्ट है और एक नए पेज में ये चीज़ खुल रहा है, ठीक है? कब यूज़ करोगे आप ये फंक्शनैलिटी, जब आप नहीं चाहते कि आपका यूज़र आपका वेबसाइट छोड़ करके जाए. जैसे न्यूज़ फीड टाइप का फंक्शनैलिटी बना रहे हो, तो बार बार अगर आप क्लिक करके पेज चेंज कर दोगे तो वापस नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो न्यूज़ फीड वगैरह में इस तरह का फंक्शनैलिटी होता है कि क्लिक करने पे आप दूसरी जगह रिडायरेक्ट होते हो, ठीक है? सेम पेज पे नहीं होते हो. वन लास्ट थिंग, अगर आपने नोटिस किया होगा कभी कभी क्लिक करने पे कुछ चीज़ें डाउनलोड होने लगती हैं, ये आप कैसे करते हो ये मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ. सो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक वीडियो फाइल है लाइक दिस, वीडियो फाइल हाइपर प्लेन. मैं क्या इसको फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ वीडियो, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ. अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब नाउ दिस फाइल इज़ लाइक रियली बिग, अराउंड 1 GB का फाइल है. जब तक ये कॉपी हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है. यू वॉन्ट कि इसके क्लिक पे ये फाइल डाउनलोड होने लग जाए. सो दिस कुड बी अ वीडियो फाइल और अ PDF और अ MP3 फाइल, वॉट एवर. सो यू विल राइट टू डाउनलोड द वीडियो, सॉरी क्लिक हेयर, ठीक है? और इस बार आप क्लिक हेयर में क्या करोगे, फिर से एंकर टैग डालोगे और एंकर टैग क्लोज करोगे, और यहाँ पर आप HRF के अंदर इस बार लिख दोगे वीडियो स्लैश, ये देखो वीडियो फोल्डर ये रहा, उसके अंदर फाइल का नाम है hyperplane.mp4, ठीक है? और इसको आप सेव कर दोगे, और अब बस जैसे आप इसको रीलोड करोगे यू विल सी द मैजिक. जैसे आप क्लिक हेयर कर रहे हो, ये देखो यहाँ से ये वीडियो चलने लग गया.
अगर आप चाहो तो आप राइट क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई गेस ये वाला चीज़ आपको समझ में आ रहा है गाइस। एक बार ये ट्राई करके देखना अपने मशीन पे, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आई गेस आपको लिंक्स और इमेजेस समझ में आ गए कैसे करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।